हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना बेटा? अभी हम आज करेंगे चैप्टर 3, लेसन नंबर 3, पार्ट 3, बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों के नाम, यानी कि बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों को हमको समझना है। उसके पहले हमने क्या किया था? तो उसके पहले हमने 2 अक्षर वाले शब्द किए थे, आज हम 3 अक्षरों वाले शब्द हम करेंगे। देखो, क म ल, क प्लस म प्लस ल, तो क्या होगा? क म ल। म प्लस ग प्लस र, तो क्या होगा? म ग र। ख प्लस र प्लस ल, तो क्या होगा? ख र ल। न प्लस ग प्लस र, तो क्या होगा? न ग र। ब प्लस त प्लस ख, तो क्या होगा? ब त ख। क प्लस ल प्लस स, तो क्या होगा? क ल श। ह प्लस व प्लस न, उसके क्या होगा? ह व न। क प्लस ल प्लस म, तो क्या होगा? क ल म। न प्लस ह प्लस र, तो होगा न ह र। आपको पिक्चर देख के आपको पता, चित्र देख के आपको पता चलेगा कि ये पिक्चर में कितने शब्द अक्षर आ रहे हैं, तो 3-3, कमल, मगर, खरल, नगर, बतख, उसके बाद है कलश, हवन, कलम और नहर। उसके बाद है, देखो नीचे है पढ़ो, तो फर्स्ट वाला है गगन, जगत, उदर, चटक, अगर, जलन, कशर, पतन, पलक, मगन, ठहर, शटक, मगर, महल, कलम, रतन। आपको मेरे पीछे आपको सबको बोलना है, ठीक है बेटा? उसके बाद है सड़क, पकड़, कहर, खटक, कमर, समय, कलश, जतन, रबड़, शहर, नहर, नमक, भजन, चमन, चहल, मदन, अजय, लचक, पहर, रमन, फड़क, शगन, पहल, सदन, दमन, इधर, पहन, नरम, धड़क, हवन, सफल और उसके बाद है बदन। आपको सबको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या है? सिर्फ व्यंजन ही है, व्यंजन में एक भी मात्रा नहीं लगानी है। सिर्फ इसमें कितने अक्षर है? तो 3 अक्षर वाले शब्द है। समझ में आ गया बेटा? ओके। उसके बाद हम देखते हैं बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग। तो फर्स्ट है अजय चल, अजय सड़क पर चल। उसके बाद है सड़क पर बहस मत कर, इधर उधर भटक मत, सड़क पर मचल मचल कर मत चल, शहर तक चल, नगर तक चल, कलश भर कर सदन चल, कलश रख, भजन कर, हवन कर, छल कपट मत कर, समय पर उठ, समय पर पढ़, समझ कर पढ़ और सफल बन। उसके बाद ही हम नीचे देखते हैं अभ्यास।
अभ्यास में क्या बनाना है, आपको वाक्य बनाना है। तो क्या करेंगे, सड़क पर क्या होगा, मत चल। हम सड़क पे चलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि सड़क पे मत चल, नहर पर मत चल, नहर के ऊपर भी हमको चलना चाहिए नहीं। यह कलम रख, रमन कल चल, छल कपट मत कर। देखो ऊपर दिया हुआ है पैराग्राफ, उसमें से ही ढूंढ के करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित शब्दों को खाली स्थान में भरो। जो खाली जगह है, ऊपर आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है हमको, ढूंढ के आंसर लिखना है। तो देखो पहला है बहस, कर, उधर, चल, ठहर, समझ, शहर, कपट, मत। तो फर्स्ट आएगा अजय, अजय बहस मत कर, कलम पकड़ कर चल, इधर उधर मत कर, ठहर ठहर कर मत चल, है ना, ठहर ठहर कर मत चल। अजय समझ कर पढ़, क्या बोल रहे हैं कि अजय समझ कर पढ़। अब शहर तक चल, क्या है, अब शहर तक चल, छल कपट मत कर। देखो ऊपर आंसर दिया गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अजय बहस मत कर, तो पहले में आएगा बहस, सेकंड में आएगा क्या आएगा, कर, थर्ड में आएगा उधर, कर, ठहर, समझ, शहर और कपट। समझ में आ गया सबको बेटा, अच्छी तरह से समझ में आ गया, ओके ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।